सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। कुछ चीजों के ऊपर हमने सख्ती बरती है जिसमें कास्टिज्म क्राइम शामिल है। तो कास्टिज्म पर वार किया गया, क्राइम पर वार किया गया, करप्शन पर वार किया है। 3C के खिलाफ सरकार ने बड़ा प्रहार किया है, इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया है। 8 साल हमने समाज के हित में काम किया, करप्शन रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए, सीएम फ्लाइंग टीम को छूट दी गई, विजिलेंस की शक्तियां बढ़ाई गई, नकल करवाने के लिए एक बड़ा गैंग था उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, करीब 700 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो सीएम ने युवाओं के साथ संवाद किया है, आदमपुर के युवा सीएम के साथ जुड़े, वर्चुअल संवाद रहा, सरकार की योजनाओं, सरकार की उपलब्धियों को लेकर बात हुई, रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है ये सीएम की ओर से जानकारी दी गई है, युवाओं के हित की दिशा में किस तरह से सरकार काम कर रही है इसकी जानकारी भी सीएम की ओर से इस संवाद के दौरान दी गई। आज बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं, हमने यहां तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे, और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे, पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे, नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है कि इस शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, आपकी कुछ डिमांड्स होंगी तो वो डिमांड्स अभी तुरंत उसका यानी हाँ करने में कि हाँ ये डिमांड पूरी कराई जाएगी, ये शायद तुरंत तो कहना संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता कि आचार संहिता लगी हुई है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं आदमपुर क्षेत्र में, वहां भी आचार संहिता है, और पंचायती चुनाव के कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश में आचार संहिता है, इसलिए डिमांड्स को आज ही हाँ करना तो शायद संभव नहीं होगा। हाँ, कुछ जानकारियां जो आप बताएंगे जो पहले से चल रही हैं वो आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हाँ ये पहले से चल रही हैं, आगे जो आपकी डिमांड्स होंगी जो भी हमारे पास लिखित आएंगी उनके ऊपर निश्चित रूप से चुनाव के बाद हम सबके ऊपर ध्यान करेंगे, कोई ऐसी चीज अनहर्ड नहीं जाएगी, बिना सुनी नहीं जाएगी, हर चीज को पूरा सुन करके पूरा करने का काम हम करेंगे। देश भर के अंदर जितने प्रदेशों के मेडल आते हैं उसमें पूरे देश की टैली के अंदर 2/3 के लगभग 60% के आसपास हरियाणा के ही मेडल होते हैं। अब हरियाणा के मेडल पर्याप्त होने के बाद भी अभी देश में जो दुनिया के देशों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे जो मेडल आने चाहिए उसमें हम अभी कहीं 5वें स्थान पर, कभी 6ठे स्थान पर रह जाते हैं। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश काम करेंगे, हरियाणा और आगे बढ़ेगा, हम उसमें जरूर इच्छा रखते हैं कि देश हमारा कैसे 1st और 2nd स्थान के ऊपर कम्पीट करके आए। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पर हमने यानी बिल्कुल बाल अवस्था में ही, जैसा कैच दम यंग पॉलिसी है उस अवस्था में ही 1100 नर्सरीज ये खोलने का हमारा टारगेट है। अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता ये हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों की फसलें MSP पर, लगभग 13 फसलें हमारी ऐसी हैं जो हमने MSP डिक्लेयर करने के बाद खरीदने की अपनी योजना बनाई है। ये ठीक है उसमें बहुत फसलें ऐसी भी हैं जो MSP पर से ऊपर उनका भाव चला जाता है, उसमें सरकार खरीदती नहीं है। हम तो न्यूनतम जितना एक MSP मिनिमम यानी जो स्पोर्ट प्राइस है ये उसको मिलना चाहिए, उस स्पोर्ट प्राइस के आधार पर हमारी कुछ फसलें जो MSP से कम बिकती हैं उसको हम खरीदते हैं। जहां कहीं खरीदने की स्थिति स्टेट की नहीं होती वहां हम भावांतर भरपाई योजना ये भी देते हैं। जैसे पिछले साल बाजरे की भावांतर भरपाई हमने 600 रुपया पर क्विंटल ये सभी जो बाजरे के किसान ग्रोवर यानी बाजरा ग्रोवर जो किसान है उनको दिया था।